अवनाथपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेल पहाड़ी में अध्ययनरत बच्चों को जहां 3 दिनों से मिड डे मील नहीं मिल रहा है, वहीं गर्मी की छुट्टी के बाद से स्कूल खुलने के बाद से कभी फल या अंडा नहीं मिला, जिससे लगातार बच्चों की उपस्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इससे बच्चों और अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि गर्मी छुट्टी के बाद 10 जून से स्कूल खुलने के बाद से 10 से 30 जून तक विद्यालय चलाएं अभियान कार्यक्रम चल रहा है और विभाग के अधिकारी का सख्त निर्देश है कि किसी भी सूरत में मिड डे मील बंद नहीं हो, बल्कि बच्चों में स्कूल में ठहराव के लिए अलग अलग तरह के भोजन में पकवान बनाने का निर्देश दिया गया। इसके बावजूद विद्यालय प्रबंधन पर कोई असर नहीं है। आपको बता दें कि विद्यालय में नामांकित 368 बच्चों में शनिवार को मात्र 88 बच्चे ही उपस्थित थे। मुकेश पाल, अमित पाल, निशार आलम, जय गोविंद पाल, सलमा खातून, सोनी कुमारी, कविता कुमारी, रोशन बानो, फैजल अंसारी आदि स्कूली बच्चों ने बताया कि 3 दिनों से मिड डे मील बंद है तथा गर्मी छुट्टी के बाद जब से स्कूल खुला है तब से फल अथवा अंडा नहीं मिला, जबकि अभिभावकों ने नाम नहीं छापने के शर्त पर कहा कि ये स्कूल मनमानी तरीके से संचालित मास्टर करते हैं, वहीं कभी भी स्कूल समय से नहीं आते हैं, बराबर लतीफी से स्कूल आते हैं लेकिन इसे कोई अधिकारी नहीं देखता है, जिससे मनमानी नहीं रुक रही है। जबकि इसके पूर्व हम लोगों ने कई मर्तबा आवाज बुलंद की लेकिन किसी ने इसकी सुधि नहीं ली। इस संबंध में प्रधानाध्यापक बबन सिंह ने बताया कि गैस नहीं होने के कारण बच्चों को भोजन नहीं दिया जा सका, जबकि फल वितरण करवाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भोजन देखना मेरा काम नहीं है, ये अध्यक्ष का काम है। वही प्रबंध समिति के अध्यक्ष हकीम मंसारी ने बताया कि गैस नहीं मिलने की वजह से भोजन बंद है, साथ ही फल वितरण करने की बात कही। बीईओ राकेश कुमार ने बताया कि किसी भी सूरत में भोजन बंद नहीं करना है, जबकि इसके लिए राशि उपलब्ध है। उन्होंने कहा विद्यालय चलाएं अभियान संचालित हो रहा है और ऐसी स्थिति में भोजन नहीं बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि गैस नहीं मिल रहा है, विद्यालय प्रबंधन को लकड़ी की व्यवस्था करके बच्चों को भोजन सुनिश्चित करना चाहिए था। उन्होंने जांच उपरांत कार्रवाई करने की बात कही। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।